नमस्कार, आप देख रहे हैं सीनियर स्पीक्स और मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। बात कर लेते हैं सीरियल दुर्गा और चारू की। जी हाँ, आपको बता दें कि सीरियल में एक नया ट्विस्ट आने वाला था जहां पे भोली की साजिशों को अंजाम मिल रहा था। वहां पर उसकी जो साजिशें थी उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही थी। जब घर वालों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि भोली को पता है कि उनकी खोई हुई बेटी देवी कौन है, जब घर वाले उनसे ये पूछते हैं कि हमें बता दो कि हमारी बेटी देवी कौन है, तो जब भोली जो है वो ये कह देती हैं कि रोज़ ही आप उस बच्ची से मिलती हैं, तो घर वालों का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाता है। उनके आंखों में एक खुशी देखने को मिलती है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो उनकी खोई हुई बेटी देवी है वो और कोई नहीं बल्कि चारू है। लेकिन वहाँ पे भोली अपनी साजिश को अंजाम देते हुए ये खेल खेल देती हैं कि वो ये बता देती हैं घर वालों को कि जो उनकी बेटी है खोई हुई देवी वो चारू नहीं बल्कि झुमकी है। इसके बाद जो घर वालों का चेहरा है वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग शॉक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आगे ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या कुछ होता है शो में आगे और किस तरीके से ये जो है भोली है, भोली की जो साजिशें हैं उसका पर्दाफाश होगा और किस तरीके से घर वालों के सामने खुलासा होता है। इससे जुड़ी बाकी तमाम अपडेट्स के लिए और क्या कुछ होगा शो में आगे ये जानने के लिए देखते रहिए सीनियर स्पीक्स।